हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में नए 19 जिले बनने के बाद, राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं और 3 नए संभाग बनने के बाद 10 नए संभाग हो गए हैं, मतलब 10 संभाग हो गए हैं, नए 3 संभाग बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 50 जिले होने के बाद राजस्थान में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन जिलों के साथ लगेगी और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगेगी, सबसे कम किसके साथ लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड में हमारा क्या है, श्री गंगानगर जिला है, ठीक है, श्री गंगानगर। यहाँ पर ऊपर की तरफ श्रीगंगानगर है, उसके बाद यहाँ पर श्रीगंगानगर से एक नया जिला बना है अनूपगढ़, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है बीकानेर, ठीक है। और इस साइड ये है जैसलमेर, और यहाँ पर ये बाड़मेर। तो अब राजस्थान में यहाँ पर नया जिला बना है अनूपगढ़, जो कि श्री गंगानगर से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कितने जिलों की सीमा लगेगी। पहले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती थी, 4 जिलों की सीमा लगती थी, अब 5 जिलों की सीमा लगेगी। यहाँ पर अनूपगढ़ की सीमा भी लगेगी, जो कि यहाँ पर श्री गंगानगर से नया जिला बना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा जैसलमेर की लगती थी पहले, और अब भी सबसे ज्यादा किसकी लगेगी, जैसलमेर की ही लगेगी, और सबसे कम यहाँ पर बीकानेर की लगेगी। किस जिले की लगेगी, बीकानेर की लगेगी। और यहाँ पर ये 5 जिले हो गए, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ लगती है राजस्थान की, 5 जिलों के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, 5 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 5 वो जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है जिनकी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।